हाँ जी, किदां ठीक ठाक हो सारे। हैलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, पहले अपनी स्कॉच को मैं अपने ग्लास में पोर कर लेता हूं, उसके बाद सारी ये मैं स्टोरी बताऊंगा कि क्यों मैं आज ये छोटी छोटी बॉटल्स लेके आपके सामने बैठा हूं। तो चलिए थोड़ा सा पोर कर लेते हैं JNB रेयर को। तो दोस्तों, JNB रेयर का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और भाई तब मुझे ये पीने में इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट लोगों के आ रहे थे कि भाई नहीं, काफ़ी अच्छी विस्की है, काफ़ी अच्छी स्कॉच है, आपको क्यों नहीं अच्छी लगी। तो उसके बाद हुआ क्या, दो तीन दिन के बाद मैं अपनी बॉटल चेक कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जो स्कॉच पी रहा हूँ वो एक फेक स्कॉच है, क्योंकि उस बॉटल का वो ग्वाला कैप निकल गया था आसानी से। वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। तो मेरे मन में भी एक शक आ गया कि हाँ यार, मेरी जो स्कॉच थी वो एक फेक स्कॉच थी। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी बॉटल्स बाय की, क्योंकि बड़ी बॉटल से अब मुझे डर लगने लग गया। तो 6-7 मैंने ये छोटी बॉटल्स बाय की हैं। ये मैंने लुधियाना से बाय की है, ये 200 ml की छोटी बॉटल है, जो कि काफ़ी अच्छी एक हिपस्टर मैं बोलूँगा 200 ml का है। 40% इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है। ज़्यादा डीप में हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि जस्टिनी एंड ब्रूक्स कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने रिव्यू में इसकी सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। ये मैंने जब ठेके टूटे थे तब लिया, ये 250 रुपये का 250 का मुझे 200 ml का मिला, तो काफ़ी अच्छी मुझे ये डील लगी उस टाइम पे। तो मैंने इसके 5 ऐसे छोटे पैक्स ले लिए कि जब भी कहीं मैं ट्रैवल करूँगा या फिर अकेले ने पीनी है तो ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो चलिए, मैंने ग्लास में अपनी स्कॉच को डाल लिया था ताकि ये ओपन अप हो जाए, क्योंकि 2020 की ये पैकिंग हुई हुई है। कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लाइट कलर है इसका। हालांकि इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं, लेकिन कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो चलिए नोजिंग करते हैं। बाय द वे, ये हमारे न्यू ग्लासेस हैं, नोजिंग ग्लासेस, तो पहली बारी ही इसमें नोजिंग और टेस्ट में करूँगा। तो चलिए जल्दी से नोजिंग करते हैं। ऑन द नोज काफ़ी स्वीट सा अरोमा आ रहा है, काफ़ी फ्लोरल लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट जो पिछली वाली मैंने की थी उसमें मुझे अल्कोहल का एक धपका आया था, एक अल्कोहल की बाइट आई थी, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। बहुत मेलोड सी नोजिंग है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। चीयर्स। मैं बोलूँगा वेरी लाइट स्कॉच, बहुत लाइट इसका टेस्ट है, और बहुत ही ऑयलिंग मैं बोलूँगा इसका, डेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत ईजिली चलेगी। आफ्टर टेस्ट इतना ज़्यादा भी मुझे नहीं आ रहा इसमें से। ओकीनेस है इसमें, हल्की सी स्पाइसीनेस है, और साथ में एक फ्लोरल फूलों का काफ़ी अच्छा एहसास इसमें आ रहा है। अच्छी स्कॉच है, मैं बोलूँगा कि लास्ट टाइम जो मैंने पी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई थी, लेकिन टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, क्योंकि वो बॉटल फेक थी इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन JNB रेयर का अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी स्कॉच मुझे लग रही है। जिन लोगों की ये फेवरेट है वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने पहले कमेंट किया था कि भाई नहीं, ये ऐसी नहीं है, तो भाई आप बिल्कुल ठीक थे, वो मेरी बॉटल ही ठीक नहीं थी। टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी है, लाइट है ये, स्मूथ है, हल्की सी स्पाइसीनेस ये आपको देगी। इसमें सोडा वगैरह आप ऐड मत करना, क्योंकि बिल्कुल फेड अवे हो जाएगी। जस्ट अ लिटल बिट ऑफ वाटर मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ आप ऐड करो, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट उबर के बाहर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।